हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 3 जुलाई 2019 और यह हमारी 189वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों अगर आपको एमपी जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे उज्जैन विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सोहन सिंह रावत। हाल ही में सोहन सिंह रावत को उज्जैन विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में बता दें, राम प्रकाश अहरवार को इन्हें सीईओ जिला पंचायत सागर बनाया गया है। कमलेश कुमार भार्गव को हाल ही में सीईओ जिला पंचायत नरसिंहपुर बनाया गया है। और दोस्तों सपना अनुराग जैन को इन्हें अपर संचालक बनाया गया है इंदौर के HNDC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी वंदे मातरम ट्रेन का ट्रायल कहां किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दिल्ली और कटरा के बीच। हाल ही में दिल्ली और कटरा के बीच दूसरी वंदे मातरम, जिसे वंदे भारत ट्रेन के नाम से जाना जाएगा, इसका ट्रायल हाल ही में दिल्ली कटरा में किया गया है। दोस्तों स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई सेमी हाई स्पीड की वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा सेट नई दिल्ली से कटरा के लिए तैयार किया गया है। रेल मंत्रालय के आदेश पर ट्रेन के नए रैक के टेस्ट की तैयारी हो चुकी है। दोस्तों यह ट्रेन 8 घंटे में दिल्ली से कटरा तक पहुंचेगी। यह केवल अंबाला, लुधियाना और जम्मू तवी पर ही रुकेगी। तो दूसरी भारत ट्रेन या वंदे मातरम ट्रेन दिल्ली और कटरा के बीच शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के स्कूलों में हर सप्ताह एक बाल सभा का आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में स्कूलों में प्रति सप्ताह एक बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों गवर्नमेंट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों और छात्राओं के व्यक्तित्व और वक्तव्य कला को बढ़ाने के लिए इस शिक्षण सत्र से स्कूलों में हर शनिवार को एक बाल सभा का आयोजन किया जाएगा। इन बाल सभा में विषय शैक्षणिक रहेगा। इसके अलावा बढ़ते मोटापे की समस्या को देखते हुए उन्हें 2 दिन योग कराया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा कहानियों के माध्यम से प्रेरक संदेश देने के लिए बच्चों को रेडियो पर प्रसारित होने वाले मीना की दुनिया कार्यक्रम भी सुनाया जाएगा। तो ये एक हाल ही में अच्छा आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूलों में। दोस्तों अब बात आई है मध्य प्रदेश की, तो आपको मैप में मध्य प्रदेश के बारे में बता दें। मैप में ये जगह मध्य प्रदेश को दर्शाती है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री है कमलनाथ और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो दोस्तों इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मोहम्मद सुलेमान को। हाल ही में मोहम्मद सुलेमान को मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। दोस्तों इसके अलावा इन्हें मध्य प्रदेश भवन नई दिल्ली के आवासीय आयुक्त के रूप में भी चुना गया है। दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद सलमान हाल ही में योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग, प्रवासी भारतीय विभाग और राज्य योजना आयोग की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। इसके बाद इन्हें ऊर्जा विभाग में भी मुख्य सचिव बनाया गया है। दोस्तों इससे पहले ICP केसरी मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले का टीबी अस्पताल प्रदेश का पहला रेस्पिरेटरी इंस्टीट्यूट होगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल। भोपाल का टीबी अस्पताल देश का पहला रेस्पिरेटरी इंस्टीट्यूट होगा। दोस्तों आपको बता दें इसे 25 करोड़ की लागत से डेवलप किया जाएगा। यह टीबी के मरीजों के साथ ही सांस, अस्थमा, COPD के मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। दोस्तों यही नहीं, इंस्टीट्यूट में टीबी और फेफड़ों से जुड़ी जानकारियों और बीमारियों के संबंध में शोध भी किए जाएंगे।
तो मध्य प्रदेश का पहला रेस्पिरेटरी इंस्टीट्यूट बनेगा भोपाल का टीबी अस्पताल। दोस्तों अब बात आई है भोपाल की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भोपाल के बारे में बता दें। मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों के शहर के नाम से भोपाल को जाना जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 854 भोपाल में ही स्थित है। भारत भवन की स्थापना 1982 में की गई थी भोपाल में। द्वितीय आकाशवाणी केंद्र 31 अक्टूबर 1956 में बनाया गया था। दोस्तों देश का दूसरा मास्टर कंट्रोल फैकल्टी भोपाल में ही स्थित है। वल्लभ भवन भी भोपाल में ही बनाया गया है। राजा भोज विश्वविद्यालय भी भोपाल में ही स्थित है। राष्ट्रीय विधि अकेडमी की स्थापना 1994 यानी 1994 में की गई थी भोपाल में। दोस्तों देश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसे ताजुल मस्जिद के नाम से जानते हैं यह भोपाल में ही स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और BHEL यह भोपाल में ही स्थित है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क भोपाल में बनाया गया है। प्रदेश का पहला सेवरेज जैव खाद्य संयंत्र भी भोपाल में ही बनाया गया है। 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों मौतें हो गई थी भोपाल में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आपको इतना भोपाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मध्य प्रदेश वासी ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है एनी जैन और कान्या कहार। इन दोनों ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को गोल्ड मेडल जिताया है। दोस्तों हाल ही में गुजरात में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी जिसमें मध्य प्रदेश की एनी जैन और कान्या कहार ने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों एनी जैन ने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 34.6 मिनट में समय कंप्लीट कर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जिताया है। दोस्तों आपको बता दें इस नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश को 4 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज पदक कुल मिलाकर 15 मेडल मिले हैं। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जगह का राजभवन 132 साल बाद जनता को खोला गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है पचमणी। हाल ही में पचमणी का राजभवन मध्य प्रदेश वासियों के लिए 132 साल बाद खोला गया है। दोस्तों इस भवन में पुराने जमाने की इमारतें और पुराने सामान देख सकते हैं। दोस्तों यह बिल्कुल निशुल्क है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के पचमणी का राजभवन 132 साल बाद जनता को खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है विजय शंकर। हाल ही में विजय शंकर क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों इससे पहले शिखर धवन भी जो भारतीय ओपनर थे यह भी क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों वर्ल्ड कप में भारत के एकमात्र 3D खिलाड़ी रहे विजय शंकर अंगूठे की चोट के कारण बाहर हो गए हैं। दोस्तों 3D खिलाड़ी का मतलब बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की नाम से है। दोस्तों इन तीनों में ही विजय शंकर अव्वल थे। दोस्तों अब बता दें आपको विजय शंकर की जगह है मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है NS विश्वनाथन। हाल ही में NS विश्वनाथन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें 1 साल के लिए इन्हें फिर रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें डिप्टी गवर्नर पद से हाल ही में विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया है। दोस्तों अब बात आई है रिजर्व बैंक की, तो आपको इसके बारे में बता दें रिजर्व बैंक जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं, दोस्तों इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो दोस्तों इतना आपको RBI के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कहां श्रवण महोत्सव मनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उज्जैन। उज्जैन में श्रवण महोत्सव मनाया जाएगा।
दोस्तों आपको बता दें, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 21 जुलाई से शुरू होने वाले 16वें श्रवण महोत्सव में देश के 13 कलाकारों की प्रस्तुति होगी। दोस्तों यह महोत्सव 21 से 28 जुलाई के तक चलेगा। महोत्सव में गायन, वादन और नृत्य के संगीत और उपशास्त्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। दोस्तों अब बात आई है उज्जैन की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट उज्जैन के बारे में बता दें। छिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन। भारत का ग्रीनविच के नाम से भी उज्जैन को जाना जाता है। मंगल की जन्म स्थली और राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी के नाम से उज्जैन को जाना जाता है। रुद्रसागर झील में न्याय स्थल स्थित है। दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने सूर्य का प्रथम बार उपयोग उज्जैन में ही किया था। कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। दोस्तों हाल ही में 2016 में कुंभ का मेला उज्जैन में लगाया गया था। दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह उज्जैन में ही स्थित है। कालिदास अकेडमी और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में लगाया गया है। तो इतना आपको उज्जैन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 29 जून। हाल ही में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें, सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस सांख्यिकी, सांख्यिकी प्रणाली और आर्थिक नियोजनों के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रशांत चंद महालोनीवास के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 2019 में इस दिवस की जो थीम है वह है सतत विकास लक्ष्य। ये दोस्तों इतना आपको सांख्यिकी दिवस के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। दोस्तों केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा है भारतीय रेलवे त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। दोस्तों ये त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी को आपको इंग्लिश में बता दें तो इसे टेरेन इमेजिंग फॉर ड्राइवर्स, इंफ्रारेड एनहांस्ड ऑप्टिकल एंड राडार असिस्टेंट होता है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के द्वारा रेल मार्गों में बाधाओं का पता लगाया जा सकेगा। दोस्तों आपको त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी के बारे में बता दें, इससे इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्टिकल कैमरे और राडार समर्थित इमेजिंग प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से चालक को धुंध में भी रेल मार्ग में मौजूद किसी बाधा का पता चल जाएगा। इस तकनीक का परीक्षण व्यापक रूप से किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय रेलवे त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा ट्रेनों के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, सांची को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर घोषित किया गया था? तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन था 1989, यानी 1989 में सांची को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहां बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी तकनीक अपनाई गई है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।